So good morning, friends. Again, an important session for those who want to prepare for Group D Vidhan Sabha. Students, आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो questions put up होते हैं हमारे brain के अंदर. और आज जो मैं आपके लिए topic लेकर आया हूँ, बहुत interesting topic है, students. और बहुत बार ये question पूछा गया है. देखिए, students, बिहार विधानसभा Group D में interview में introduction जैसी चीज 100% पूछी जाएगी, ये तो sure. अब ये इंट्रोडक्शन देना कैसे, तो क्या लगता है आपको, क्या आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं कहूंगा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वहां पर दिए पूछे गए क्वेश्चन यानी कि अपने इंट्रोडक्शन के बारे में अपने बारे में बताइए वो जरूर बताएगा. पर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को ये बेनिफिट मिले क्योंकि वो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. उनकी रिक्वायरमेंट्स भी है कि सर एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए. बिल्कुल स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन होना चाहिए. अब देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी आप बिहार विधानसभा ग्रुप डी में जा रहे हैं, आपके पास क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए बताने के लिए, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कहूंगा कि जब कभी हम इंट्रोडक्शन दें, मैं आपको हर पॉइंट इंट्रोडक्शन का सिखाता जाऊंगा और आप देखना लास्ट में आपके पास बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन आ जाएगा. चलिए, सबसे पहले मैं आपसे पांच बातें डिस्कस करूंगा जो कॉमन होती है. अब मैं यहां पर एक आपके सामने एग्जांपल भी रखूंगा. पूजा, मैं कॉलेज में एक कॉलेज में गया था लेक्चर देने, वहां पर मैंने, वो गर्ल्स कॉलेज था, एक गर्ल को बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. तो उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया और उन्होंने बोला सर मेरा नाम ये है. मैंने कहा ठीक है. वो एक्चुअली एक एमबीए कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज था. तो उन्होंने बोला सर मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माताजी का ये है, मेरे पिताजी डॉक्टर है, मेरी माताजी लेक्चरर है. अब आप देख रहे हो कि इसमें इंट्रोडक्शन उसका तो नहीं दिख रहा, उसके परिवार का ज्यादा दिख रहा है. तो देखो बच्चों, यही गलती हम करते हैं कि हम जब इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, हम बहुत बार अपने बारे में कम, अपने परिवार के बारे में ज्यादा बताने लग जाते हैं. इवन आप अपने फ्रेंड से भी अपने बारे में पूछ के देखिएगा, एक मिनट दो मिनट के अंदर अंदर वो अपने पेरेंट्स पे आ जाएगा, बताने लग जाएगा मेरे पापा ये करते हैं, जो भी है. तो यहां पर जब वो गर्ल से मैं जब इंटरव्यू ले रहा था, तो वो जब बताने लगी तो उसे बहुत कुछ बताया. इवन उसने ये भी बताया हमारा एक बंगलो है और हमारे घर पे स्टीम कार है, शायद वो बोलती भी. मैंने उसको पहले रोका, मैंने कहा रुकिए. तो देखिए, यहां पर इंट्रोडक्शन हमने किसका डिमांड किया है, व्यक्ति का जो इंटरव्यू दे रहा है, यानी कि इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ना कि उसकी फैमिली का. अब आप बच्चे बोलेंगे सर हम अपने इंट्रोडक्शन में क्या अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बोल सकते, तो मैं आपको कहूंगा आप बोल सकते हैं. बट आप ये देखिए बच्चों कि इंट्रोडक्शन में अगर आपने अपने फैमिली के बारे में बता दिया, ये गलत नहीं होगा, मगर आप वो इजी क्वेश्चन छोड़ गए जो इंटरव्यूअर शायद आपसे जरूर पूछता, क्योंकि फैमिली के बारे में इंटरव्यूअर जरूर पूछता है, ये तो श्योर है. अब इंटरव्यूअर अगर पूछेगा तो आपको मार्क्स देगा, इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, जस्ट आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया, तो गलत नहीं है, ये वो सुन लेगा. तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे जब इंटरव्यू देने जाए तो वो इंट्रोडक्शन के अंदर अपने बारे में ज्यादा बताए, ना कि अपने परिवार के बारे में. तो यहां पर मैं सबसे पहले तो ये बात डिस्कस करना चाहूंगा, उन पांच बातों को जो मैं आपसे शेयर अप करना चाहता हूं, जो बेसिक्स है. अब यहां पर वो पांच बातें कौन सी हो, तो पहली बात होती है स्टूडेंट, जब कभी इंट्रोडक्शन दें हम अपना नेम बताएंगे. एग्री करते हो? हाँ बच्चों, यहां मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि यदि आपका नेम थोड़ा डिफरेंट है, जैसे मान लो आपका नाम पूजा है, पूजा का नाम वर्षिप होता है, बड़ा कॉमन सा है, गेटिंग माय पॉइंट, मगर कई नाम बहुत ही यूनिक होते हैं, राइट, बहुत ही डिफरेंट होते हैं. तो देखो, जब आप इस तरीके के वर्डिंग्स में यूज आओगे, जैसे मेरी काउंसलर थी उसका नाम एंजल था, तो देखो थोड़ा यूनिक सा नेम है ना, तो जब कभी किसी का नाम यूनिक हो, डिफरेंट हो, तो स्टूडेंट्स आप एक बात का ध्यान रखेंगे, आप अपने नाम का मीनिंग जरूर याद करके जाएंगे. यहां तक कि आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं. एक बच्चा था मेरे पास, वो इंटरव्यू के लिए आया, उसका नाम भगत सिंह था और उसने मेरे पास अभी ज्वाइन नहीं किया था, वो मिलने आया था, वैसे ही मेरे ही शहर का था. वो आया मुझसे मिलने, तो मेरे को बोला सर हेलो मैं आपसे मिलने. मैंने कहा ठीक है बेटा बैठो. कहते हैं सर मेरा नाम भगत सिंह. मैंने कहा अच्छा, भगत सिंह के बारे में कुछ बताओ. तो आप मानेंगे स्टूडेंट्स कि उस समय उसके पास सिर्फ एक ही लाइन थी, वो कहते सर फ्रीडम फाइटर थे और तो सर बस उनको फांसी हुई थी और मुझे ये बात लगती है सर कि अगर हमारे देश में ऐसे लोग हो तो सर शायद हमारा भारत बहुत जल्दी मतलब जल्दी आजाद हो जाता. मैंने कहा यार बात तुम्हारी सही है, मगर तुम्हें भगत सिंह के बारे में क्या मालूम है. तो वहां पर बात खत्म हुई और थोड़े दिन वो स्टूडेंट बना. थोड़े दिन बाद में जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसका कॉल आया और वो मुझे बोला कि सर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि अच्छा भगत सिंह है तुम्हारा नाम, अपने बारे में कुछ बताइए. तो देखो कितनी बड़ी, आज वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर मुंबई में जॉब कर रहा है स्टूडेंट्स.
वो पहले बैंक में लगा, उसके बाद वो एक्साइज डिपार्टमेंट में लगा, आज वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि हमारे पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, हमारे पास भी आएगी। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके नाम में बहुत यूनिकनेस हो, कोई सिंपल नेम है तो भी वो पूछ सकता है आपसे आपके नाम का मीनिंग। तो आप अपना नाम बहुत अच्छे से बताएंगे, मेरा नाम ये है, ये भी चलेगा, माय नेम इज दिस, माय सेल्फ दिस, माय आर्म दिस, तीनों सही है। थोड़ा सा चांस दूं तो आई एम ज्यादा सही लगता है, जैसे आम रमेश, आम राहुल, आम राम, आम पूजा, ये ज्यादा सही लगता है बजाय माय नेम इज, थोड़ा सा बच्चों का लगता है, माय सेल्फ थोड़ा सा ईगो शो करता है। दूसरी बड़ी बात, आप कहते हो सर लैंग्वेज हिंदी भी चलेगी, मेरा नाम ये है, यहां तक चलेगा। अभी स्टूडेंट्स बात आती है अगली क्वालिफिकेशंस की, आपकी 10th में कितने परसेंट रहे थे? वेरी गुड, तो आपके फर्स्ट डिवीजन में थी राइट। तो मैं ऐसा हाईलाइट तो नहीं करूंगा कि हर बच्चा 60 वाला होगा, हर बच्चा, कोई बच्चा 46 वाला भी होगा, कोई बच्चा 58 वाला भी होगा, कोई बच्चा 75 वाला भी होगा। अगर आपके 60 अबव आते हैं हाईलाइट करो, वरना मत करो यार, क्या प्रॉब्लम है, बोर्ड का नाम लेके चुप, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बट द थिंग इज कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 60-65 के आसपास है, आप डिवीजन बोलिए। अगर आपके 70 रेंज में है, 80 रेंज में है, 90 रेंज में है, आप परसेंटेज बोलिए, इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां तो फर्स्ट डिवीजन है ही, तो ज्यादा अच्छा आप परसेंटेज को हाईलाइट करो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी तक दो बातें बताई है, नेम और एजुकेशन। अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मैं ग्रेजुएट हूं, क्या मैं 10वीं दिखाऊं, क्योंकि इस जॉब के अंदर तो 10वीं जरूरी है। नहीं बच्चों, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप 10 ग्रेजुएशन दिखाओ, रिक्वेस्ट है, बहुत बार आपको इसका वैलिड रीजन भी मैंने आपको पिछले वीडियोज में दे रखे। अब जो नई बात आती वो ये आती है कि सर इसके बाद स्टूडेंट्स आप अपनी हॉबीज पे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने बारे में बताते हैं, अपने एजुकेशन बताते हैं, और उसके बाद फटाफट पापा मम्मी पे आ जाते हैं, मेरे पापा ये है, मम्मी ये कर, घर में हाउसवाइफ, जो भी आपका करते हैं। अब बात आती है कि आप अपनी हॉबीज में क्या बताए, पूजा आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज है नई बुक्स पढ़ना, वेरी गुड, नए दोस्त बनाना, वेरी गुड, तो नए दोस्त बनाना आपको बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। तो बिहार के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सी गर्ल्स भी आ रही है वीडियोस देखने पर, क्या उनसे दोस्ती करना चाहोगी? ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि अबंडेंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर देयर, दोज हु आर ईगर टू वॉच अवर वीडियोस, हमें बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स कि आप हमें लाइक कर रहे हो, थैंक यू। वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट रहेगी, अदरवाइज आपकी चॉइस। अब बात आती है स्टूडेंट्स की, आपने जो हॉबी बोली ये गलत नहीं है स्टूडेंट्स, बट ये चॉइस है आपकी। पर मैं ये कहूंगा बजाय गाने सुनने के, बजाय डांस बोलने के, ज्यादा अच्छा है कुछ ऐसा पार्ट बोलिए। आप कहेंगे सर कुछ और अच्छा बता सकते हो क्या? तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, आप बोलिए सर मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा स्टूडेंट्स, बहुत डायनेमिक इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप बोलिए सर मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, इट इज ग्रेट स्टूडेंट्स, मजा आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कहते हैं सर मैं मोटिवेशनल स्टोरीज मूवीज देखना पसंद करता हूं, तो देखिए नया पॉइंट है ये कि मैं सकारात्मक इंस्पिरेशनल मूवीज देखना पसंद करता हूं। कुछ नाम तो शायद आप भी जानते होंगे, चक दे इंडिया राइट, इसके अलावा दंगल, इसके अलावा तारे जमी पर, थ्री इडियट्स, ये कुछ मोटिवेशनल मूवीज है, अगर आप हाईलाइट करते हो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, गलत नहीं पड़ता। तो आपकी हॉबीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी लर्निंग पार्ट भी दिखानी चाहिए राइट। अब बात आती है स्टूडेंट्स की, मैं अपना अगला पॉइंट आपको कौन सा दूं, तो हमने नेम किया, एजुकेशन किया, हॉबीज किया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स, हमारा एम। तो आप बोल सकते हैं सर विधानसभा ग्रुप में जॉब पाकर मैं सबसे पहले सिंसियरली अपना कार्य करना चाहूंगा और अपने परिवार का हेल्पिंग हैंड बनना चाहूंगा, अपने परिवार में हेल्प करूंगा, मेरे फादर ओनली ब्रेड विनर है मेरे यहाँ कर, तो मैं ऑब्वियस है उनकी हेल्प करूंगा ये जॉब पाकर। तो जो भी आपका एम है आप और अच्छा अगर इसे डिजाइन कर सकते हैं, कुछ प्रमोशन वगैरह कुछ ही बात कर सकते हैं, आप हाईलाइट करिए अगर आपको मालूम है। अब हमने चार बातें बता दी, तो ये पांचवी बात कौन सी है? तो स्टूडेंट्स यहां मैं इस पांचवी बात को ये रखूंगा कि आप अपनी फिफ्थ बात के अंदर ये रखिए कि आप बताइए उसे कि सर मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। इसके लिए अच्छा वर्ड मैं आपको स्ट्रेंथ देता हूं कि आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब मैं पूजा से पूछना चाहूंगा, पूजा आपके अंदर अच्छी बात क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने बोला सर मैं दिए गए कार्य को ईमानदारी से करती हूँ, यानी कि आप ऑनेस्ट सिंसियर हूं, पंक्चुअल, क्रिएटिव, डिटरमिंड, डेडिकेटेड, हार्डवर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एटीट्यूड, आप जो मर्जी हाईलाइट कर सकते हो, एक एग्जांपल रखना अपनी लाइफ का, रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि कई बार वो बोल देता है प्रूव इट, और अगर आप पे प्रूव करने की क्षमता है तो वेल एंड गुड है, मगर अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो यहां पर प्रॉब्लम है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको प्रूव करना आना चाहिए, अगर आपने प्रूव इसमें अंदर नहीं किया
तो अच्छा इंप्रेशन आप नहीं दे पाओगे। तो आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि कभी कभी इंटरव्यूअर आपको बोल देता है प्रूव योर स्ट्रेंथ, तो एक अच्छा पुराना लाइव एग्जाम्पल कोई भी, आप उसे कभी भी ये नहीं करेंगे सर मुझे नौकरी देकर देखिए मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, राइट। अब बात आती है स्टूडेंट्स, क्या ये 5 पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए अच्छे हैं? पूजा अच्छे लगे आपको? तो स्टूडेंट्स क्या ये ज्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं है हमारे इंट्रोडक्शन के लिए, बजाय इसके कि हम अपने नेम के बाद ये बताने लग जाए कि मेरे पापा ये करते हैं, मम्मी ये करते हैं, भाई बहन हमारे, आप कितने भाई बहन करते हैं? राइट, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं मगर इंटरव्यूअर को पूछने दो, उसके बाद चाहे डिटेल बताइए। आपके सिस्टर क्या करते हैं? स्टडी। और आपका ब्रदर? स्टडी करते। पापा जॉब काम करते हैं किसान, और मदर क्या करते हैं? गृह कार्य, यानी के होम मेकर बोल सकते हैं आप, हाउस वाइफ बोल सकते हैं, राइट। मगर परिवार को हाईलाइट फिर से बोलूंगा हम नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये था मेरा पार्ट फर्स्ट, इस पार्ट के अंदर मैंने आपको ये सिखा दिया है कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये कैसे देना है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये बताऊंगा कि इस इंट्रोडक्शन को निखारा कैसे जाता है, इस इंट्रोडक्शन को अच्छा कैसे बनाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट मैं ये 5 बातें बुरी नहीं कहूंगा, अच्छी कहूंगा, ये बहुत अच्छी बातें हैं, मगर फिर भी इसका नाम मैं रोज दूंगा। मैं ये कहूंगा ये इंट्रोडक्शन एक रोज है, एक फूल है, यदि आप उसे पेश करते तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको लगता है कि सर क्या इस रोज से भी ज्यादा कुछ दुनिया में है, तो बिल्कुल आप बताइए फूल जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? गुलदस्ता। तो क्या आप बुके कन्वर्शन चाहिएंगे? आपको पसंद आएगा कि अगर मैं आपको एक बुके भी पेश करके दूं इंट्रोडक्शन का? तो ये फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हम आपको बहुत ही जल्दी सेकेंड पार्ट देते हैं जिसके अंदर हम आपको ये सिखाएंगे इस इंट्रोडक्शन को गुलदस्ता कैसे बनाना है, इस इंट्रोडक्शन को और निखारा कैसे जाता है। क्योंकि देखिए अब आपने कोई भी चीज ले ली है उसको शाइनिंग तो जरूरी है, पॉलिशिंग तो जरूरी है, वो पॉलिशिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करके देंगे और इस इंट्रोडक्शन को डायनेमिक बना देंगे। पर हाँ फिर से बोलती है ये इंट्रोडक्शन बुरा नहीं है, वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा अगर ये अच्छा है तो। तो देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या सीखते हैं, और वेट करिए कि हमारा फर्स्ट पार्ट भी बताइएगा आपको कैसा लगा, सेकंड पार्ट भी अच्छा लगेगा इस बात की श्योरिटी देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो इट्स अ राइट टाइम टू से थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वेट फॉर सेकंड पार्ट, इट इज कमिंग सून। थैंक यू।